तो अगर आप लोग सीएस रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर बूसिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको एक स्नाइपर प्लेयर की जरूरत पड़ती है या फिर आप खुद से ही स्नाइपर चलाना सीख सकते हो। तो सिंपली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग स्नाइपर चलाना कैसे सीख सकते हो या फिर आप स्नाइपर प्लेयर कैसे ढूंढ सकते हो। अब नॉर्मली इस वीडियो की बात की जाए तो मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि आप स्नाइपर चलाना कैसे सीख सकते हो। आज की इस वीडियो को मैं टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ एंड उन 6 पार्टों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एंड मैं 1 बाय 1 करके इन सभी 6 ट्रिक्स को आपको समझाने वाला हूँ, जिसमें से है कैरेक्टर स्किल, आपको AWM चलाते समय कौन सा कैरेक्टर स्किल लेना चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सारे लोग जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो है कि आप शॉर्ट रेंज में AWM से फाइट कैसे कर सकते हो एंड एक और बात कि आप लोग AWM का एम एनमी के ऊपर कैसे चिपका सकते हो। जिस तरह से मैं अभी आपको AWM चला कर दिखा रहा हूँ, सेम आपको इसी तरह से AWM चलाना सिखा दूंगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट के साइड बढ़ने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आप लोग बेल वाला आइकन भी दबा देना। बाकी बढ़ते अपने ट्रिक नंबर फर्स्ट के साइड जो कि है कैरेक्टर स्किल। तो सिंपली इस टाइम पे काफी ज्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा कैरेक्टर स्किल लगाकर खेलना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको टोटल 4 कैरेक्टर स्किल बताने वाला हूँ, जिसमें से एक एक्टिव होने वाला है एंड 3 पैसिव स्किल होने वाला है। एंड इन सभी स्किल में आपको मैं एक ऐसा कैरेक्टर स्किल बताने वाला हूँ जिससे कि आप सेकेंड राउंड के अंदर AWM बाई कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया पेट स्किल भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बढ़ते अपने फर्स्ट एक्टिव स्किल की तरफ जो कि है तत्सुया। एंड तत्सुया का यूज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी एक अच्छे लोकेशन पे जाना होता है, जिसका मैं तत्सुया का यूज करके फटाफट से पहुंच जाता हूँ। तो तत्सुया आपको एक अच्छे हिडन प्लेस या फिर लोकेशन पे जाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। देन अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड नंबर कैरेक्टर के बारे में, जो कि एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है एंड उस पैसिव स्किल कैरेक्टर का नाम है सूजी। एंड सूजी से होता क्या है कि आपको सेकंड राउंड के अंदर ओम मिल जाएगा, बस आपको फर्स्ट राउंड के अंदर 2 किल करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग फर्स्ट राउंड के अंदर 1 ही किल करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 कॉइन मिलेगा, यानी कि आप 300 कॉइन से पीछे रह जाओगे। बाकी 2 कैरेक्टर और हैं जो कि पैसिव स्किल में आते हैं एंड इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इन सभी कैरेक्टर के बारे में पता है एंड उन दोनों कैरेक्टर का नाम है, एक है राफेल एंड दूसरा है मोको। एंड लास्ट में जो हमारा कैरेक्टर स्किल की जगह पेटी स्किल आता है, वहां पे मैं ड्रेकी का यूज करता हूं क्योंकि मैं जिसको भी AWM का शॉट मारता हूं, अगर वो मेडी मारने के लिए जाता है तो फटाफट से मेरे को उसकी लोकेशन फिर भी मिलती रहती है। बाकी अगर आप लोग लोडआउट में लेना चाहते हो तो वो आप लोग खुद से सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा लोडआउट बेस्ट रहेगा। बात कर लेते हैं अपने ट्रिक नंबर सेकंड के बारे में, जो कि है हमारा बेसिक AWM ट्रिक। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप लोग AWM चलाते हो एंड एक परफेक्ट कैरेक्टर स्किल नहीं लिए हो, यानी कि अगर आप लोग राफेल कैरेक्टर को नहीं लिए हो, तो आपका लोकेशन आराम से रेवल हो जाएगा सिर्फ 1 बुलेट मारने के बाद। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग राफेल कैरेक्टर को ले लिए हो एंड अगर आप लोग AWM चला रहे हो तो कुछ मेरी तरह ही चलाते होगे बेसिक ट्रिक से, क्योंकि इस ट्रिक में आप लोग ज्यादा कुछ नहीं, बस एम को इधर उधर करके कैसे भी करके एक ना एक शॉट तो एनमी को कनेक्ट करना है। सिर्फ यही एम लेकर आप लोग खेलते हो एंड कुछ मेरी तरह ही डाउन हो जाते हो। इसको इजी वे में बोला जाए तो आप लोग कुछ ऐसा करते हो कि 1 बुलेट एनमी को मारते हो एंड अपोजिट साइड से एनमी आपको भी 1 बुलेट मारता है। तो सबसे पहले आपको इन गलतियों को भूलना पड़ेगा, यानी कि खड़े होकर एम को डिसाइड करना। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने एम को कांस्टेंट रखना है। अब इस चीज के लिए भी काफी सारे प्लेयर जो पेट वाला एम होता है उसको अपने एम के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे कि उनका एक परफेक्ट एम बन जाता है AWM चलाने के लिए। तो इस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 3rd के बारे में, जो कि है हमारा नॉर्मल AWM ट्रिक। अब बेसिक के बारे में हम लोग बात कर लिए, यानी कि कुछ गलतियां हैं जो कि आप लोग करते हो आराम से खड़े होकर एम खोलते हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड अभी बात कर लेते हैं नॉर्मल एम ट्रिक के बारे में, जिसका यूज करके आप एनमी के ऊपर आसानी से एक शॉट चिपका सकते हो। तो ये ट्रिक काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा लोकेशन देखना है जहाँ पे एनमी आपको इजिली स्पॉट न कर पाए एंड आपको फटाफट से उसके ऊपर एक एक बुलेट देते जाना है। एंड अपने टीममेट से ये भी बोल सकते हो कि आप मोको को फॉलो करो एंड मोको को फॉलो करके उनको 2-3 गोली मारकर डाउन कर सकते हो। सिंपली अभी मैंने इस वाले ट्रिक को यूज करके 2 एनमी को डैमेज दे दिया है AWM से एंड इनफैक्ट कि उनके सारे टीममेट्स को मेरी लोकेशन भी नहीं पता है। एक और बात कि उनको मेरी गन की साउंड भी नहीं जा रही होगी, साथ ही साथ उनको मेरा लोकेशन भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी वो मेरे को देख पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी हिडन प्लेस का यूज नहीं कर रहा हूं। एंड अगर आप लोग को एक हिडन प्लेस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक प्रॉपर हिडन प्लेस वाली वीडियो भी बना के लाऊंगा। अब बात कर लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 के बारे में, जो कि है हमारा फास्टेस्ट एम ट्रिक, यानी कि आप लोग AWM से फास्टेस्ट एम कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ AWM से ही खेल रहा हूं एंड इसी AWM से मैंने मास्टर के 100 स्टार किए। ये सारी के सारी गेम प्ले उन पिछले 3 दिनों की है जहां से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था एंड आज मैं फास्टेस्ट AWM चला लेता हूं एंड साथ ही साथ शॉर्ट रेंज में भी फाइट कर लेता हूं। एंड एक और बात, इस फास्टेस्ट
एम ट्रिक के अंदर ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा गेम के ऊपर एंड अपने जो मिडिल सेक्टर होता है फोन का उसको थोड़ा सा ध्यान देकर खेलना पड़ेगा। एंड कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक शॉट मार लो एंड आपके पास ग्लू ना हो, इसके चलते आप मर सकते हो, बट हाँ आप लोग फास्टेस्ट AWM तो चला सकते हो। एंड एक इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बता दूं तो आपको अपना एक टीममेट लेके खेलना है जो कि मोको के ऊपर आराम से रश कर ले तत्सुया लगाकर, जिससे कि आपको इजी वे में राउंड विन करने को मिल जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब बात कर लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 के बारे में, जो कि है शॉर्ट रेंज फाइट। आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट को कैसे कर सकते हो? सिंपल, आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि अगर आप लोग इन 3 ट्रिक्स को फॉलो करते हो, यानी कि बेसिक, नॉर्मल एंड फास्टेस्ट एम ट्रिक के बारे में जानते हो, तो आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करना आराम से सीख सकते हो। तो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में फाइट करना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा एनमी के ऊपर, बिकॉज आपके सामने जो भी एनमी आएंगे वो काफी ज्यादा हार्ड आएंगे। एंड एक चीज और कि वो लोग शॉर्ट रेंज का गन लेके आएंगे तो आपको AWM काफी बढ़िया से चलाना पड़ेगा एंड कॉन्सेंट्रेट तो होके ही रहना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जहाँ पे मैं AWM शॉर्ट रेंज में चला रहा हूँ। एंड शॉर्ट रेंज में मैं जब AWM चला रहा हूँ तो मैं AWM को काफी ज्यादा फास्ट रिलोड भी कर रहा हूँ एंड काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके एनमी के ऊपर एम कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मेरा एक शॉट भी मिस हो जाता है तो मैं इस वाले राउंड को तो हारूंगा ही, साथ ही साथ इस मैच को भी हार सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको AWM एक मैच को जिता सकता है तो फिर उतना ही ज्यादा फास्ट आपको वो एक मैच को हरा भी सकता है। एंड अगर आप लोग अभी भी वीडियो को कॉन्स्टेंट देख रहे हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपको कुछ ऐसे बेसिक से लेकर नॉर्मल से लेकर फास्ट ट्रिक बता दिए हैं। एंड इन सभी ट्रिक का अच्छे से यूज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड इन सभी ट्रिक को एक कॉम्बाइन मिक्सचर बना के आप लोग शॉर्ट रेंज में भी फाइट कर सकते हो AWM से। अभी बात कर लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 6 के बारे में, जो कि मोस्ट वांटेड ट्रिक है, पेट एम ट्रिक। अभी इस ट्रिक में होता क्या है कि आप लोग पेट इमोट वाले जो सेक्शन होते हैं उसको अपने एम पे फिक्स कर लेते हो, तो इससे काफी ज्यादा बंदे को काफी ज्यादा आसानी भी होता है खेलने में। बट अगर मेरे एंगल से देखा जाए तो मेरे को काफी ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि मैं जब भी AWM का स्कोपिंग खोलता हूँ क्लियरली मेरे को बंदा दिखता ही नहीं है, जिससे कि कई बार मेरा AWM का शॉट मिस हो जाता है एंड कई बार तो AWM का शॉट लगता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा छोटा करके रखा है लेकिन फिर भी मेरे को शॉट्स मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब ये चीज इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो फुल्ली डिटेक्टिव होता है इस पेट वाले इमोजी के ऊपर, कि मेरे को कैसे भी करके ये वाला इमोजी एनमी के ऊपर सेट करना है, जिससे कि एनमी को मैं आराम से एक शॉट मार सकूं। अब आप लोग एक चीज याद रखो कि जब भी आप लोग AR या फिर SMG गन चलाते हो तो रेड डॉट ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, लेकिन वही अगर आप लोग AWM पे ये वाला पेट इमोजी लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, साथ ही साथ रेड भी नहीं होगा जब तक आप स्कोपिंग नहीं करोगे। बाकी अगर आप लोगों को सही लगता है इसके साथ खेलना तो आप लोग इसके साथ खेल सकते हो, बट अगर मेरे एंगल से देखा जाए तो आप लोग बिना इस पेट एम वाले को हटाकर ही खेलो, बिकॉज उससे आपको एनमी को स्पॉट करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी एंड साथ ही साथ आप लोग बहुत ही आराम से शॉट्स को कनेक्ट भी कर पाओगे। इस टाइम पे मैंने टोटल 6 ट्रिक को कवर कर लिया है एंड अगर आप लोग अभी वीडियो छोड़कर जाना चाहते हो तो प्लीज मत जाओ, क्योंकि अभी मैं आपको AWM के कुछ हाइलाइट्स दिखाने वाला हूं। एंड उन हाइलाइट्स को देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी दबा देना। एंड लास्ट एक और बात कि अगर मैंने इस पूरे ट्रिक्स में कुछ भी गलत बताया होगा तो प्लीज कमेंट में सजेशन कर देना मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैंने क्या चीज गलती की है इस वीडियो के अंदर। एंड मैं बहुत जल्द ही ग्रैंड मास्टर मारने वाला हूँ एंड आप लोग भी ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक एंड कुछ CS रैंक के एपिसोड गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग AWM के हाइलाइट्स चेक करो। राम राम जी सभी को। ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ ਮੋਟਰ ਜੈਕ ਨਹੀਂ।
जवानता तुती बोलती है जग ते जमाना जानता सटर रुतबा ही देख वहरी सीना साड़ता।